सुबह की राम राम आप। इसी जगह का मुझे इंतजार था। कैसे हो आप लोग? द पुअर ब्लॉगर में आपका स्वागत है। मैं निकल चुका हूँ एक नए सफर पर। तो हम लोग स्कूल के बच्चों के साथ सभी भाई जो है वो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जा रहे हैं। तो अभी रात के बज रहे हैं 11 और अभी बस से हम लोग निकल चुके हैं। हम हैं यशवंत है और ये मेरे भैया जी विशाल भैया और बाकी सारे बच्चे गाड़ी के अंदर हैं। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, पता नहीं कब तक पहुँचेंगे। यहाँ से 200 किलोमीटर के करीब है। तो इस सफ़र में बहुत मज़ा आने वाला है, बिकॉज बच्चों के साथ जा रहे हैं तो काफ़ी मज़ा आएगा। मेरी लाइट जो है बंद हो चुकी है, सब यूज कर गया है। तो मिलते हैं कल सुबह उठ के, बाग को देखेंगे, मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में। बने रहिएगा ब्लॉग में, मिल जाएंगे। आग जल गया है, ये देख सकते हैं आप लोग। अब अच्छा लग रहा है, ठंडा बहुत ही ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। कुछ नहीं दिख रहा है, बस रुका हुआ है हम लोग का। आग जला दी है विवेक भैया, लालू भैया, हम और सभी ने मिलके। अब थोड़ा आग ताप लेते हैं। और ये फाइनली हम पहुंच चुके हैं वाल्मीकि नगर। बता नहीं सकता, मैं सुबह से सोया था, एक घंटे की तो नींद ही ले पाया हूँ। अंधेरा काफी था और फॉग भी, और अभी फॉग हट गया है और सुबह हो गई है, लगभग 7:30 के करीब हो चुका है। और अभी हमें हाथी भी दिखा था लेकिन मैं फ़ोन से कैप्चर नहीं कर पाया। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा जंगल है। अभी मतलब 5-6 किलोमीटर पहले से है ना स्टार्ट। मुनु कितने पहले से स्टार्ट हुआ था? 15 किलोमीटर पहले से। ओ भाई साहब, मैं सोया था, मैं अभी उठा तो मुझे पता चला कि भाई मैं आ चुका हूँ। तो फिर मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। आपको दिखाना चाहता हूँ कि देख सकते हैं आप, बहुत बड़ा जंगल है, दूर दूर तक आपको कुछ नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, एक परिंदा भी नहीं दिख रहा है। हम लोग वाल्मीकि नगर में, टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर, बिहार का गौरव। तो सुबह की राम राम आप सभी को। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं वाल्मीकि नगर, और अभी मैंने एक डैम देखा तो वहीं पे रुक गया। यहाँ से विद्युत जो है वो उत्पादन किया जाता है, जल विद्युत परियोजना वाल्मीकि नगर। आप देख सकते हैं यहाँ जो है बगल में है, एंड सभी बच्चे जो है घूम रहे हैं। तो और बस आगे चली गई है, हम लोग फ्रेश होने के लिए यहाँ पे रुक गए थे क्योंकि यहाँ पे वॉशरूम वगैरह का जो है वो व्यवस्था था फुली, तो फैसिलिटीज़ के साथ, तो अच्छा लगा है। एंड मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी तबीयत जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मैं स्थिति में भी नहीं हूँ कि मैं ब्लॉग बना सकूँ और मैं घूम सकूँ। मुझे सोने का मन कर रहा है और मैं रात में सोया भी नहीं हूँ परेशानी के कारण। तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन आप सबका प्यार जो है ना वो मुझे यहाँ खींच कर लाया है। तो आप सबके प्यार ने मुझे यहाँ खींच कर लाया है। उम्मीद है कि आप सब इस ब्लॉग को बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे क्योंकि मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं ब्लॉग बना सकूँ। आप सबको बहुत कुछ दिखाना है, अभी बाघ बंदर मज़ा आने वाला है गाइस। तो और आप सबको पता होना चाहिए कि वाल्मीकि नगर जो है ना वो ये चीज़ें ना, ये चीज़ें सिर्फ गांव में मिलती है, शहर में नहीं मिलता। तो वाल्मीकि नगर जो है वो बिहार राज्य के जो है वो पश्चिमी चंपारण ज़िले में जो है स्थित है। एंड ये एक बाघों का बहुत बड़ा मतलब अभ्यारण है ना। इसको इंग्लिश में हम लोग वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहते हैं ना, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। तो यहाँ आने का उद्देश्य ये था कि बच्चे लोगों को ना रियलिटी में बाघ देखने को मिले एकदम आँख से। ऐसे तो मिलेला बहुत केहू के मिलेला कि हाँ बहुत कुछ देख पाता है मूवी में, डिस्कवरी चैनल पे एंड चिड़ियाघर में, लेकिन यहाँ जो है ना बहुत कुछ है वाल्मीकि नगर में। हम बहुत पहले सुने थे कि वाल्मीकि नगर घूमने की जगह, और सही में बहुत मज़ा आ रहा है। अब बीच बीच में वीडियो देखना जिसमें बहुत ही मज़ा आएगा। तो अभी मिलते हैं आगे, वाल्मीकि नगर 2 किलोमीटर यहाँ से दूर है। तो मिलते हैं वाल्मीकि नगर में, और आने वाला है बहुत मज़ा। ब्लॉग से भागना मत, ज़्यादा लंबा ब्लॉग होगा नहीं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक है नहीं। तो प्लीज़ यार, प्लीज़ छोड़ के मत जाना ब्लॉग।
और हम लोग पहुंच चुके हैं वाल्मीकि नगर। अभी वाल्मीकि आश्रम में इन करने वाले हैं। देन सभी भाई फोटो क्लिक कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए नाक को जो है ना ढक के रखना पड़ रहा है। आपको बताया ही था कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हमारे विशाल भैया इन कर गए हैं, तो मैं भी अब इन करूँगा, क्योंकि अब मेरे से भी मतलब सब्र हो नहीं पा रहा है। तो मैं भी इन कर चुका हूँ, थोड़ा कैमरे को हाइट कर लिया जाए ताकि सब कुछ आप देख सकते हैं कैसे है। बहुत ही अभी तो शुरुआत है, पहली बार हम लोग आए हैं यहाँ और यहाँ का मज़ा लेते हैं। और काफ़ी दूर है यहाँ से, यहाँ से 5 किलोमीटर के तकरीबन है, 5 किलोमीटर के तकरीबन है। और वाल्मीकि आश्रम हम लोग जा रहे हैं अभी, और उसके बाद कौलेश्वर मंदिर जाएंगे, नेपाल में जो है स्थित है। और उसके बाद जंगल सफारी करेंगे। तो बता नहीं सकता कि बहुत ही ज़्यादा मतलब मज़ा आ रहा है हमको, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं बता नहीं सकता। चश्मा थोड़ा हटा देते हैं आप लोग के लिए। तो हाँ, अब अच्छा लग रहा है ना, तो चश्मा हटा के अच्छा लग रहा है। देन ये देख सकते हैं, ये नदी है। और मैं दिखाता हूँ नदी का नज़ारा आपको। अब धीरे धीरे कदमों से वाल्मीकि आश्रम की ओर बढ़ते हुए। हाँ भाई, चलेंगे जहाँ बोलेगा वहाँ चलेंगे। ये देखिए प्रकृति का नजारा, इससे बेहतर कुछ नहीं है मेरे मतलब मेरे समझ में। वो लोग अभी बहुत पीछे हैं, दिख रहे होंगे, तो मेरे समझ में ना इससे बेहतर कुछ नहीं है। हम तो बस नेचर से मतलब रिलेटेड, हमको तो मतलब न्यू एक्सपीरियंस का जो है ना, लाइफ का न्यू एक्सपीरियंस लेने का मतलब मज़ा जो है ना वो लेना है भाई। बाकी आप लोग देख सकते हैं बड़ा मज़ा आ रहा है। चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको नज़ारा, हम मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। आगे का नज़ारा देखिए, लेकिन यशवंत ये नज़ारा नहीं मिलेगा कहीं, देख रहे हैं खतरनाक, क्या ही नज़ारा है। मतलब इसमें तो मैं म्यूजिक नहीं अपलोड कर रहा, ऐसे YouTube पे अपलोड कर रहे हैं दोस्त। थोड़ा नीचे से कैमरा को एंगल ऊपर बढ़ा लीजिए, ये रहा नजारा है। और फाइनली हम लोग जो है वाल्मीकि आश्रम पहुंच जाएंगे। कितना दूर है सर अभी यहाँ से? अप्रोक्स 3.6। अच्छा, ओके ओके, हम लोग अभी पहुंच जाएंगे, वही 300 मीटर के करीब में है ना यहाँ से वाल्मीकि आश्रम। और अब मुन्नू के मौसा कहाँ तो नहीं डाला है, कौन खा चले हमें मुन्नू के मौसा है। हमारा लगा लेनू कि ये दुनिया में जितना जनसंख्या ना उतना मुन्नू का मौसा बा, एक तोहनी का ही बात पर ध्यान दी है। इस बात को आप लोग सीरियस करते हुए, अब बहुत मजा आ रहा है सर। मेरी तबीयत खराब है फिर भी मैं आया हूँ, क्योंकि लोगों का प्यार जो है ना खींच के लाता है। जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो इसके वजह से ना हमें मतलब एफर्ट लगाना पड़ता है, गुड एफर्ट। तो मैं भी चाहूंगा आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो है वाराणसी से है, योगी जी के राज्य से, और वाराणसी तो जानते हैं इतना पवित्र स्थान है ना, उससे पवित्र स्थान मतलब कहाँ मिलेगा, महादेव से बड़ा कोई देव नहीं है ना, देवों के देव महादेव का वो स्थान है। और ये देखिए गाय है ना, और ये छोटी सी नदी है, आपको नदी है। और ये SSB का जो है गाड़ी अभी बगल से गुजरा है, और सर लोग हैं इधर, और कर दिया गया था सर के कारण, तो मैं वीडियो जो है वो बना नहीं पा रहा। आगे चलते हैं नेपाल के बॉर्डर पे, फिर हम लोग बनाएंगे वीडियो, ठीक है। आगे चलते हैं। नदी है, छोटी सी ही है लेकिन खतरनाक है, मतलब इसे पार करने के लिए हमें जो है, ये देखिए मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं बता नहीं सकता सच में, लिटरली मैं बहुत थक चुका हूँ। वो बच्चे पार कर रहे हैं वहाँ से, दिखाता हूँ मैं उस पेड़ के मतलब पार कर रहे हैं ये। हम लोग अभी नेपाल बॉर्डर में इन करेंगे,
इसके बाद जो है वो नेपाल बॉर्डर आ जाता है नदी के बाद। चलते हैं आगे, पहले काफी ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ भाई, माफ करना यार, मैं थक गया हूँ। नीचे नहीं, ये ब्लॉग बन रहा है, फोटो नहीं है। तो जो है छोटी सी पहाड़ी लग रहा है ना, पहाड़ी छोटी सी है, ना ना कुछ ना खाम। तो भाई अभी कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, अभी अभी जाके मेरे को सुकून मिला पानी देख के, सच में लिटरली मुझे पानी देख के बहुत सुकून मिला। तो मैं अभी पानी से ही पार करूंगा क्योंकि मुझे पानी पार करना अच्छा लगता है। पानी काफी ठंडा है, बता नहीं सकते हम, बहुत ज्यादा ठंडा है, हमको ठंडा भी लगा हुआ है, लेकिन क्या करें, किसी के लिए तो आए हैं। अब कुछ दिखाते हैं, निकाल के हम पत्थर है ये सोने का, भाई देखिए सोना बन गया है। मैं तो जा रहा हूँ अब, इससे पार कर रहा हूँ, काफी ठंडा है, मेरा पैंट भी भीग चुका है भाई। अरे उधर ओने ना जा पूरा, तो क्या कर रहा है तुम, बहुत ज्यादा गड्ढा है वहां पे, और दीदी अभी गिर गई थी, बची है थोड़ा सा से, बची है, बची है थोड़ा सा से, बच गई है, नॉट बच्ची, नॉट चाइल्ड। और मैं आ गया हूँ अब ऊपर, अहोय हमार हो लालू भैया। अब हम लोग पहुंच चुके हैं नेपाल में, बस 50 कदम के अंदर है नेपाल। अच्छा नेपाल के बारे में, नेपाल के बारे में कुछ बताइए लालू भैया, नेपाल के बारे में कुछ बताइए। पहला गणतंत्र राज्य है नेपाल, बहुत चुतिया राज्य है नेपाल, राज्य था अब देश बन चुका। अच्छा अब देश बन चुका है, और नेपाल बहुत चुतिया है, बार बार कब्जा कर लेता है भाई। आज साले के हम लोग धीरे धीरे कदमों से जो है वो अभी चल रहे, पहाड़ पे ही है भाई, पहाड़ पे ही है। पहाड़ पे ही है हम लोग, ये से क्या मतलब है, लोगों को सीन देखना है। और ये गुड़िया जी अच्छा लगा ही तो हुआ, मुझसे तोरा कैसा लगा था। हमारा भाई लगे थो कि बेकार में 500 रुपए लगा के, पांच भारी पछतावा हो 500, लेकिन सबसे बड़ा हाँ ना ना नेपाल में ना, यह बिहार में बहुत जगह है घूमे वाला, समझ ला, एने अबे ना करी है, ओने आवा कबो धनैया गांव में राजपूत चवर बाबू ने। हम लोग जो है साहेबगंज के चित्तौड़गढ़ से बिलोंग करते हैं। स्वागत करने के लिए खड़ी है नेपाल में, कुछ दिख नहीं रहा है, एक चश्मा तो दिख रहा है, बड़ा प्यारा सा चश्मा, ओहो और पोज भी। ब्लॉग में आप आ चुकी हैं, अरे धीरे धीरे, मैं तो भाई चुका हूँ, मेरा तो जूते यहाँ पे रखा, अबे दुकान तो है भाई दुकान। आते घूम के उसके बाद चाय पियेंगे जरूर भाई, आते घूम के उसके बाद जरूर पियेंगे। दर्शन करने के बाद चाउमीन मामा ये
यहाँ चाय साय सब मिलेगा, मोमोज सब कुछ सामान प्रसादी। यहाँ से रुद्राक्ष वगैरह खरीद सकते हैं। अरे नेपाली कुत्ता ये देखिए, ये बच्ची को कितनी क्यूट है। ये और हम लोग आ चुके हैं वाल्मीकि आश्रम। ये देखिए नन्हे मुन्ने राही हैं, देश के सिपाही हैं। ओ भाई वो छुप रही है। पानी में देख जाएगा ये सब। वीडियो बना हुई तरी हुआ ब्लॉग में बारू तो निका। और हम लोग पहुंच चुके, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। तो आइए देखते हैं। ये रहा दोस्तों लोकुश जन्मस्थल। यहाँ पे चप्पल खोल के आना है लेकिन मैं जूता पहनूं। बर्थ ऑफ लोकुश। यहाँ पे फोटोग्राफी हो रही है। देन ये देखिए यहाँ पे जो जड़ी बूटी है ना वो पीसा जाता है। ये पेड़ ये देख सकते हैं ना कितना पुराना लग रहा है। ये देखिए वाह कितना खूबसूरत लग रहा है ना, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। और ये कुआं लोकुश के अमृत कुआं। यहाँ पे जैसे थे घर बना हुआ है, यहाँ पे उनका घर था। हाँ अब चलिए, अब चलिए हम लोग देखेंगे कि लोकुश भगवान का जो स्कूल था, स्कूल कहाँ पे था। ये है पहाड़ी कुत्ता, बहुत खतरनाक दिख रहा है। क्यों खरीद लिया। तो इसी जगह का मुझे इंतजार था जहाँ मैं अभी पहुंचा हूँ जस्ट थोड़े देर पहले। तो आपको मैं दिखाता हूँ यहीं से व्यूज यहाँ का, जो कि पूरा पहाड़ है और आगे मंदिर भी है और नदी, सब नदी पार करने जा रहे हैं। ये चीज़ इसी चीज़ का मुझे इंतज़ार था, सच में मैं बेसब्री से इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि मुझे कब पहाड़ देखने को मिले। फिर भी पहाड़ है तो प्यार है, मैं मतलब बता नहीं सकता। मेरी तबीयत अभी बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है लेकिन फिर भी मैं हिम्मत, आप सबका प्यार मुझे हिम्मत दे रहा है। देन कुछ नहीं है तो हम लोग अभी झूला पुल वहाँ जो दिख रहा है वहाँ पे झूला पुल के पास जाने का अभी कोशिश करेंगे इधर से, इस साइड से। तो अभी देखते हैं आगे चलते हैं और आपको सीन दिखाते हैं इधर का बाहर को और मजे करते हैं। चलते हैं उधर से। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया लेकिन मैं मज़ा की बात नहीं करूँगा, अभी बात करूँगा नेपाल के बारे में। तो ये नेपाल है ठीक है और ये इंडिया। तो नेपाल में हम लोग इन नहीं कर पाएंगे क्योंकि बस का जो है वो क्या बोलते उसको भाड़ा वगैरह टिकट वगैरह लेना पड़ता है। तो अभी हम लोग वहाँ से जाने की कोशिश करेंगे, अगर जा पाए तो ठीक है वो वीडियो में कैप्चर होगा, वरना वीडियो को यही एंड करेंगे बिकॉज मेरा तबीयत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहा हूँ। अब देख सकते हैं लेकिन मज़ा बहुत आया सच में। और ये पहाड़ ये मेरे लिए प्यार है सच में, मैं इसी के वजह से मैं आया था और ये सफल हुआ इसलिए मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ, वरना वीडियो को एंड नहीं करता। तो आप बस इतना यार प्यार बनाए रखो, वीडियो में बहुत कुछ है देखो। और बाघ जो है ना हम देख नहीं पाएंगे सच में, मम्मी कसम, मतलब अब मेरे में हिम्मत नहीं है चलने का, मैं खाया भी नहीं हूँ सुबह से। तो आप सब वीडियो को देखो, पूरा वीडियो को देखे हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर तो ज़रूर कर देना भाई, और एक दो कमेंट छोड़ देना यार। और बाकी जो है आपका प्यार ही है हमारे लिए हमारा खुशी, तो प्यार बरसाओ और भाई के चैनल को इंक्रीज करो यार। तो पुअर ब्लॉगर को, पुअर ब्लॉगर मीन्स यही होता है कि गरीब ब्लॉगर, तो मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ देख लो, कुछ नहीं पहना हूँ, चप्पल भी जितने भी नहीं है। तो आप लोग बस इस बात का ध्यान रखना और आओ कभी नेपाल में घूमने, मज़ा बहुत आएगा। ये वाल्मीकि नगर हम लोग घूम चुके हैं, अब जाएंगे नेपाल में। नेपाल के अगर गए तो वीडियो कैप्चर करेंगे वरना नहीं कर पाएंगे। ये जरा सीन को दिखाओ भाई। Wow.
वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं ठीक है। तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब दबा के करो यार, जल्दी फोड़ दो बटन। मुझे नहीं पता, बस मेरे जो है 500 लाइक हो जाने चाहिए इस ब्लॉग पे। लव यू ऑल।